वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जीव एंड क्वार्टर ज्वाइंट, किस प्रकार से जीव एंड क्वार्टर ज्वाइंट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये इसमें हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसके डिटेल्स ड्राइंग दी गई है यहाँ पे, अब इसे असेंबल करके बनाना है। इसका असेंबल करने के बाद से इसका फ्रंट व्यू और इसका टॉप व्यू बनाना है, ड्रॉ करना है इसका फ्रंट और टॉप व्यू। और किस सेक्शन में ड्रॉ करना है, ये दिया हुआ है अपर हाफ इन सेक्शन। अपर हाफ इन सेक्शन में इसको ड्रा करना है। सेक्शन के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छे से समझ लिया था, जो कि था स्पिगॉट एंड सॉकेट जॉइंट। उसमें हम लोगों ने सेक्शन के बारे में अच्छे से समझ लिया था कि अपर हाफ इन सेक्शन क्या है, लोअर हाफ इन सेक्शन क्या है, और फुल सेक्शन क्या है। यहाँ पर जो एलिमेंट दिए गए हैं, जो पार्ट दिए गए हैं, वो 3D में दिखाया गया है, जबकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिल सकते हैं जबकि 2D के फॉर्म में इस तरीके से दिखाया गया। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोनों सेम है। ए भी जीव एंड क्वार्टर ज्वाइंट है और ए भी हमारा जीव एंड क्वार्टर ज्वाइंट ही है। इसमें बस इतना कहा गया, इसका फ्रंट भी बनाइए जो कि अपर हाफ इन सेक्शन होगा, और इसका टॉप भी बनाइए। और यहाँ पे कहा गया है कि इसका फ्रंट भी बनाइए जो कि फुल सेक्शन में हो, और टॉप भी बनाना है, ठीक है, जो कि आउटसाइड से हो। ठीक है, तो इसमें दोनों में सेक्शन का अंतर है। सेक्शन वाली चीज़ पिछले वीडियो में हम लोग समझ लिए थे कि अपर हाफ इन सेक्शन क्या है और फुल इन सेक्शन क्या है। अगर आप लोग ना समझे हो तो पिछले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, जो कि सॉकेट एंड स्पीकर ज्वाइंट है, उसमें पहले से ही अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्क, ये जो इसको बोलते हैं फॉर्क। तो ये फॉर्क को सबसे पहले बनाएंगे, उसमें होता क्या है, इस फॉर्क में जो है हम रॉड को इसके अंदर डाला जाता है। तो ये दोनों होल एक दूसरे के सामने, जब ये इसके अंदर जाएगा तो ये होल इसके जब सामने आएगा, उसके बाद से इस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जिब को अंदर की तरफ डाल के आगे की तरफ सरका लेंगे, उसके बाद से फिर ऊपर से क्वार्टर को लगा देंगे, तो फिर इसका असेंबली बन करके तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका हम लोग को असेंबली करना है और इसी असेंबली को हमको ड्रा करना है। अगर हम इसे और अच्छे से समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह हमारा जो है फॉर्क है और यह हमारा रॉड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्क में रॉड को इस तरीके से लगा देंगे, और लगाने के बाद से उसके बाद से ऊपर से हम इसमें जीव एंड क्वार्टर को लगा देंगे। ये इस तरीके से हमारी असेंबली बन करके आ जाएगी। इसी चीज़ को हमको ड्रा करना है विथ डायमेंशन। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे पहले सारी डायमेंशन को हमें समझना होगा, फिर हम उसे बना सकते हैं। और सबसे पहला ड्राइंग हम लोग फुल सेक्शन में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी इजी है। बस इसमें क्या है, देखिए, जो जिब दिया है उसको इस साइड दे दिया है, उल्टा दे दिया है, इसमें देखेंगे इस साइड दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग लगाएंगे तो इसको इसी साइड लगाएंगे, इसको इस साइड लगाएंगे, जैसे कि असेंबली हमने अभी बताया है कि इसको चप्पर भी है, इसमें फॉर्क में जो रॉड को लगाएंगे, तो जब कभी भी इसमें जीव एंड क्वार्टर लगाएंगे तो जीव एंड क्वार्टर हमेशा इसी टाइप से लगाएंगे। ठीक है ना, इसी तरीके से इसको लगाएंगे, यही हमको करना है। इसमें इस तरह से दे दिया है तो इससे ऐसा नहीं कि हम लोग इसको इस तरह से असेंबल करके चले आएंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फॉर्क को ड्रा करेंगे। देखिए, इसमें सारी डायमेंशन शो है, इसमें डायमेंशन दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक 40 है, और जो होल है वो 48 का है, उसके बाद 37 है, उसके बाद फिर 25 है, और इसकी मोटाई 12 mm है, जो गैप है 40 mm है, फिर 12 mm है। तो ये बहुत ही इजीली इसको हम लोग बना लेंगे, इसे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए बनाते हैं इसको। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसको साइड में रखते हैं, इसे हम मेजर करके फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी लंबाई हम लोग खींच लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 150 mm है, 150 mm ले लेंगे, और फिर 12 mm अंदर से ले आएंगे, और उसके बाद इस लंबाई को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ले लेंगे, क्योंकि शाफ्ट की लंबाई है, शाफ्ट कितना भी लंबा हो सकता है। ठीक है, अगर कहीं इसकी लंबाई दी हो तो फिर उतना ही लेंगे। उसके बाद से सेम ऊपर करना है, फिर से हमें
यहाँ से टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेनी है, ये 12 का होगा, ये 40 का होगा, ये फिर 12 का होगा, उसके बाद फिर से यहाँ से यहाँ तक 150 का खींच देना है। यही काम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 150 यानी कि 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक जो है 15 सेंटीमीटर का ये लाइन हो गया। इसके बाद से 12 mm हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, ये आ गए हम लोग 12 mm। उसके बाद से 40 mm हम लोग छोड़ देंगे, ये फिर 40 mm हम लोगों ने छोड़ दिया। उसके बाद फिर से 12 mm ऊपर की तरफ जाएंगे, ये हम लोग 12 mm ऊपर चले गए। इसके बाद से फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये 15 खींचेंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ पे 64 mm पे हम लोग पॉइंट कर लेते हैं ताकि लाइन टेढ़ी ना हो, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, फिर से 15 का यहाँ पे खींच लेंगे, ये हो गया, ठीक। इसके बाद से फिर से जैसे हम लोग 12 mm पे एक लाइन खींचेंगे यहाँ, और फिर से यहाँ पे एक 12 mm की लाइन खींचेंगे, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद से जैसे कि आप देखेंगे कि ये ऊपर का ये हमने खींच लिया है, अभी 40, 48 और 37 खींचना रह गया है। और हम लोग चाहें तो यहाँ पे इसको भी खींच लेते हैं, इसको हम लोग कम से कम ले लेते हैं 50 mm, 5 सेंटीमीटर लेकर के इसको खींच लेते हैं ताकि एक व्यू क्लियर हो जाएगा। ये हम लोग ने खींच लिया और इसे इस तरीके से फ्री हैंड ब्रेक दिखा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना है, यहाँ से हम लोग को 40 mm छोड़ना है, और फिर यहाँ से हम लोग को 48 mm छोड़ना है, इसके बाद से फिर 37 mm छोड़ना है, ये हो गया 37, ठीक है। इसके बाद से यही काम इधर से भी करना है, पहले 40, उसके बाद से 48, उसके बाद से फिर 37, ये हो गया 37, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक रखना है और 12 mm पे पॉइंट करना है, और इधर से भी 12 mm पे ही पॉइंट करना है, और यहाँ से यहाँ इसको मिला लीजिए। अब इसको इसमें मिला दीजिए, अब इसको यहाँ से यहाँ पे मिला दीजिए, ये हमारा बन गया। अब इसमें क्या करना है, जो 40 वाला है उसे हम लोग यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक। और उसके बाद से 38 वाले को भी यहाँ से यहाँ हम लोग मिला लेंगे, ये हमारा जो है बन करके आ गया। ये चीज़ जो है और हमारा बन गया है, बस हैचिंग करना बाकी रह गया है, ठीक है। तो अभी इसको हम हैचिंग लास्ट में करेंगे, उसको फास्ट वे में देखेंगे हैचिंग को, ये हो गया। लेकिन इसमें देखेंगे इस वाले में कि यहाँ पे कर्व बना हुआ है, ये जो है इस तरीके से नहीं है, यहाँ पे कर्व है। इस कर्व को भी हम लोग बना लेते हैं, कर्व बनाना काफ़ी आसान है, कुछ नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, 10 10 mm पर जो है ये 10 mm है, यहाँ एक पॉइंट कट कर लेंगे और ही 10 mm जो है यहाँ भी ले लेंगे, ठीक है। और यही 10 mm हम लोग इधर भी मार्क कर लेंगे 10 mm पे, और इधर भी 10 mm पे मार्क कर लेंगे, ये हो गया। और कंपास लेना है, कंपास लेकर के यही 10 mm जो है इधर हल्का सा कट करेंगे, एक सेंटर लेंगे, ये हो गया इस तरीके, जहाँ सेंटर आएगा उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलाते हुए खींच देंगे। यही काम यहाँ भी करना है इधर, और ये इधर से उसको जहाँ सेंटर मिल रहा है उसको ऐसे रख के इस तरीके से मिला देंगे। अब बाहर वाले हिस्से को हम लोग मिटा लेंगे,
जब आप सीख जाएंगे तो इसको खींचना ही नहीं है, इसको 10 मिनट पहले ही रोक देना है। ये हमारा फॉर्क जो है पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाली रॉड जो है इसमें लगानी है। ठीक है, तो ये हम लगाते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि लास्ट वाला जो एंड है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 40 का है। ठीक है, तो पहले 40 बनाएंगे, फिर 38 बनाएंगे, और वो इस होल का भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 40 है, जबकि हमारे यहाँ तक ये चीज़ जो है, ये चीज़ 37 ही है। अगर इसको इसमें डाला जाएगा तो ये यहाँ तक आ जाएगा, इसका होल जो है थोड़ा सा इसके होल से आगे की तरफ बढ़ेगा। देखते हैं हम लोग कैसे हो रहा है, इसको साइड में थोड़ा रखते हैं और यहीं से इसको ध्यान से देखते हैं, हम इसे इसमें लगाने जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, ये जो है 40 है, हमको इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं इस एंड से। तो 40 हम नापेंगे, 40 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 40 जो है यहाँ आ रहा है। ठीक है, जबकि ऊपर से होल है तब पर भी यहाँ अगर रुक रहा है तो इसको हम लोग यहाँ पे मिला लेंगे इस तरीके से, ये हो गया। इसके बाद से फिर 48 है, जो उसका होल है वो 48 पे है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 48 पे नापेंगे, 48 पे देखिए ये हमारा 48 हो रहा है, मतलब कि होल्स के आगे की तरफ जा रहा है। ये हमारा हो गया 48, सॉरी ये हो गया हमारा 48, यहाँ पे आ गया। ठीक, यहाँ पे हम इस लाइन को इस तरीके से खींच देंगे। ठीक, अब इसकी लंबाई जो है नहीं दी गई है, ये आवश्यकता के अनुसार हो सकता है, शाफ्ट की लंबाई कुछ भी हो सकती है। तो हम लोग जो है एक अपने अनुसार जो है इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे सीधे। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम इस तरह से ब्रेक लाइन दिखा करके इसको बना लेंगे। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इसमें ये हमको लगाना है, जी वन क्वार्टर जो है लगाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वार्टर इसमें बना लेते हैं। तो क्वार्टर की लंबाई हम लोग देखेंगे 140 mm का दिया हुआ है, मतलब कि 14 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो इसमें 7 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर नीचे हो जाएगा, वो भी एक्सिस का। तो हम लोगों ने एक्सिस तो खींचा नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग को एक्सिस खींचना चाहिए। तो हम लोग एक्सिस खींचते हैं, तभी हम लोग जान पाएंगे कहाँ पे होगा। ये 40 का था कि हम 20 पे जो है इसको एक्सिस लाइन को ड्रा करते, सबसे पहले एक्सिस ही खींचना चाहिए उसके अक्ष को। ठीक है ना, तो ये हो गया। ये इधर और ये इधर की तरफ। ठीक, और क्वार्टर को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वार्टर लगाएंगे। ये इधर ऐसे दिया था हम लोग को, ऐसे जीप इधर होगा और क्वार्टर इधर होगा। ठीक है, हम लोग क्वार्टर लगाते हैं, तो क्वार्टर की लंबाई कितनी है, 140 है। हम लोग क्या करते हैं, 7 सेंटीमीटर ऊपर और 7 सेंटीमीटर नीचे। ठीक, तो यहाँ यहाँ से ये यह आएगा 7 इधर और 14 तक ये यहाँ तक। ठीक है, ये खींचा गया। अब देखेंगे कि नीचे वाला हिस्सा 20 है और ऊपर वाला 28 है, तो हम क्या करेंगे, इधर से 20 mm पर इसको खींच लेंगे सीधा लाइन, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, उसके बाद से ऊपर से खींचेंगे 28, ये हो गया 28। ठीक है, अब इसको आपस में मिला देंगे इस तरीके से, हम लोग आपस में इसको मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जीभ लगाना है। और जीभ की कुल जो लंबाई वो कितना दे रखा है, अंदर अंदर का जो है वो 64 है, जो कि अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये 40 है और ये 12 12 है, तो पूरा 64 आ गया। अब उसके बाद इसकी मोटाई 16 और 16 है। ठीक है, और ये आगे जो बढ़ा हुआ है ये हमारा 12 है, इसमें जब लगाएंगे तो इसमें इधर आगे बढ़ा हुआ जो
डिस्टेंस होगा वो 12 mm होगा। हम लोग को करना क्या है, यहाँ से हमको पहले इस वाले लाइन से जहाँ ये लाइन खींचा गया है वहाँ से हम लोग को 12 mm आगे बढ़ना है। ये हो गया 10 और ये हो गया 2 12, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, 16 है, तो हम इसे 16 mm जो है ऊपर की तरफ इसको बढ़ाना है। ये हो गया, ठीक। यही काम यहाँ भी करना है, यहाँ पर करना है पहले 12 mm आगे की तरफ जाना है इसको। ये हो गया 12 mm, अब इसके बाद से ये 16 mm ऊपर की तरफ इसको आना है। ये हमारा हो गया, अब इसे सीधे सीधे इसमें मिला देना है, ये इस तरीके से, ठीक है। और इसे इस तरीके से इसमें मिला देना है, ठीक। और इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को आपस में मिला देंगे। ये हो गया, ठीक है। अभी क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे ही हैचिंग कर देंगे तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद से हमें इसको राउंड करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये राउंड फॉर्म में है, तो हम लोग को इसको राउंड करना है। इस वाले फिगर में नहीं दिया है कितने पर राउंड होगा, लेकिन इस वाले फिगर में दिया है कि यहाँ पे जो ये राउंड करने के लिए है वो R10 है, ठीक है ना। तो R10 करके हम लेंगे, उसके लिए क्या करना है, हमको कंपास में 10 mm की डिस्टेंस लेनी है। हम लोग 10 mm की डिस्टेंस कंपास में लेते हैं, इसके बाद से बस इसको यहाँ से और यहाँ से हल्का सा कट करना है, ठीक है। और उसके बाद इसका सेंटर लेना है, सॉरी सेंटर यहाँ ऐसे यहाँ से और यहाँ से सेंटर लेंगे, जहाँ सेंटर आएगा वहाँ पे कंपास को रख करके उसको इस तरीके से, ये इस तरीके से मिला देंगे। यही काम यहाँ भी करना है, यहाँ रख करके इधर और इधर कट करेंगे, इसके बाद से इधर और इधर कट करेंगे, जहाँ कट करेगा उसको यहाँ पर रख करके इस तरीके से मिला देंगे, ठीक। अब बाकी चीज़ों को अरेंज कर देंगे इस तरीके से, इसको मिटा देंगे। ये हो गया, तो ये केवल अभी फ्रंट व्यू बना है, ठीक है, इसका टॉप नहीं बना है। और एक चीज़ और कवर कर लेते हैं, इसे बनाना है तो अब इसको बनाना हमने पहले ही बता दिया है, चाहे इसे कंपास का यूज़ करके आप बनाइएगा, ठीक है। ये हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया, पूरा जब वीडियो देखेंगे, हर एक वीडियो का पार्ट देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आएंगी। तब ये चीज़ जो है कंप्लीट हो गया है, अब इसे हम लोग इसको मिटा लेंगे, इसके बीच के जो क्वार्टर और जिब के बीच में जो लाइनें हैं इनको साफ़ कर लेंगे, उसके बाद इसकी हैचिंग करते हैं, ठीक है। इसको जब फास्ट फ्रेम देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं हैचिंग करना। यह हम लोग का हैचिंग का काम हो गया है, बस इसमें डायमेंशन शो करना है। तो डायमेंशन हम नहीं शो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को जरूर से शो करना है। अगर डायमेंशन शो नहीं करेंगे तो आपको का नंबर कट जाएगा, तो डायमेंशन आपको शो करना ही करना है। और ये हम लोग का जो है फ्रंट व्यू बना हुआ है, केवल क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है, और साथ में ये बोला गया था कि फुल इन सेक्शन, तो हमने फुल सेक्शन में इसको बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू में देखिए ये जो फॉर्क है इसका टॉप व्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इसको जैसे कि तैसे बना लेना है। और उसके बाद से यहाँ पर जो है जो हम लोग का रॉड था उसका जो है टॉप व्यू यहाँ पर दिया हुआ है,
ठीक है। तो अब जो है इसको उठा करके बस इसके ऊपर रख देना है। हम लोगों ने देखा था कि 3 mm का डिफरेंस है, 3 mm इधर और 3 mm इधर का होल में डिफरेंस आ रहा था, 3 mm इधर आगे आ जाएगा, 3 mm इसमें एक लाइन आ जाएगी। बाकी जो है बहुत सिंपल है, टॉप भी बनाना एकदम ईजिली बन जाएगा। तो आइए उसे स्टार्ट करते हैं, इसका टॉप भी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अगर जब ड्राइंग शीट पर बनाएंगे तो जस्ट इसी के ऊपर बनाएंगे, जस्ट फ्रंट व्यू के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जैसे कि यहाँ पर दे रखा है इसकी चौड़ाई जो है 40 mm की है, तो वो 40 ले लेंगे। और इसकी लंबाई हम लोग जानते हैं कि 150 है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमने जो लिया है वो है, तो वो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर यानी कि 150 का जो है हम लोग लाइन खींचेंगे। ये हमने खींच लिया, ये खींच लिया, उसके बाद से 40 का, 40 mm का इसकी चौड़ाई है, तो हमने 40 10 खींच लिया, फिर 40 इधर से खींच लिया, फिर आपस में इसको इस तरीके से बढ़ा लिया। ठीक, उसके बाद से 5 सेंटीमीटर हम लोगों ने अपने मन से शाफ्ट की लंबाई ली थी और इसकी चौड़ाई भी 40 ही थी, तो हमने 5 सेंटीमीटर इसमें और भी बढ़ा लिया है। उसको यहाँ पे ब्रेक लाइन के थ्रू जो है इस तरीके से दिखा दिया है। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, इस होल को, इस होल की देखेंगे इस किनारे से 40 mm हटा गया है, तो इस किनारे से हम लोग 40 mm पे मार्क करेंगे। तो इस किनारे से हम देखेंगे कि यहाँ पे 40 mm यहाँ पर है और 40 mm यहाँ पर है। ठीक है, और उसके साथ साथ इसका सेंटर लाइन खींचेंगे तो और भी ईजी हो जाएगा हमको बनाना। ये 40 है तो ये हमारा आ गया 20 इधर, और बिजा और MD का यूज करेंगे तो इस तरीके से नापने की आवश्यकता नहीं होगी। हम लोग जो है यहाँ पर इसका एक्सिस खींच देते हैं, सेंटर लाइन खींच देते हैं, तो ये हमारा जो है इस तरीके से बन गया। अब देखिए, अब बताया जा रहा है कि इसकी डिस्टेंस जो ये होगी वो हमारी बीच की डिस्टेंस जो है वो 12 की है और साइड में 14 14 छूटे गए। तो जब हम इसको खींचेंगे, देखिए 40 का है तो यहाँ पे यहाँ किनारा लेंगे, जब ये इसकी मोटाई 12 है तो 6 mm ऊपर और 6 mm नीचे, यहीं से हम लोग खींच लेंगे, ये 6 mm ऊपर और 6 नीचे से, तो ये अपने आप जो है ये 12 का हो गया। उसके बाद से इसकी दूरी कितनी है, यहाँ पर दे रखा है ये 48 है, तो 48 इसको हम लोग यहाँ से 48 यहाँ तक आ रहा है, इसको नाप लेंगे, और इसके बाद से 6 mm ऊपर और 6 mm नीचे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, अब इसको आपस में मिला देंगे इधर और ये इधर, ये हमारा पूरी तरीके से ये बन गया है। अब क्योंकि होल देखिए, ये जो कटा हुआ ये वाला लाइन ये ऊपर तो दिखाई देगी नहीं, तो ये वाली चीज डॉटेड आएगी, कितने डॉटेड आएगी, तो 40 और 48 और 37 के बाद से ये डॉटेड आएगा, मतलब कि ये 40 हो गया, ये 48 हो गया और 37 ये 37 यहाँ पे आ रहा है। इसको जब हम ऊपर करेंगे तीस, ये चीज़ हमारी इसमें डॉटेड आएगी, ये हमारा डॉटेड बन गया, हिडन लाइन बन गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका टॉप व्यू यहाँ पर दिया हुआ है तो ये चीज़ें इस पर रखनी है, लेकिन हम जो असेंबली बनाए हुए हैं उसमें देखा कि 3 mm का जो है इधर आ रहा है, यहाँ 3 mm छूट रहा है और इधर 3 mm छूट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 mm इधर से अंदर और इधर 3 mm बाहर की तरफ इसका बन करके आएगा टॉप व्यू में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3 mm नापेंगे, यहाँ से 3 mm नाप के ये हमारा 3 mm यहाँ पे है और 3 mm यहाँ से जो है आगे की तरफ इसको बढ़ा देंगे, ये हमारा 3 mm इधर और 3 mm इधर, जो कि अंदर की तरफ है तो ये चीज़ दिखाई तो देगी नहीं, तो ये हमारा डॉटेड आ जाएगा, इसको हम डॉटेड बना सकते हैं, इसे हम लोग इसमें
इस तरीके से डॉटेड दिखा सकते हैं, और इसको जो है ये हम क्लियर दिखाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई, और उसके बाद से जब हम देखेंगे तो इसका हेड, ये क्वार्टर का हेड आएगा ऊपर देखेंगे तो, और इस जिब का भी हेड आएगा। तो क्वार्टर का यहाँ से यहाँ तक लंबाई 28 है, तो वो आ जाएगा, बाकी जिब हो जाएगा। तो हम लोग 28 पे क्या करेंगे, इसको 28 तक लेंगे, ये हो गया, यहाँ हो गया 28, और ये हो गया हमारा 28, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इधर का क्वार्टर हो जाएगा और इधर का जिब हो जाएगा। तो क्वार्टर को हम लोग किस तरह बनाते हैं, क्वार्टर का हेड कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये बन गया, और बाकी का ये हमारा जिब हो गया, ठीक है। अब जिब का क्या है, जिब जैसे हमने बनाया था तो जिब इस होल से ज़्यादा गया था, कितना गया था, ये 12 mm आगे आया हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 12 mm और ज़्यादा बढ़ा देंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई क्योंकि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में इसमें समय लगता है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे 15 मिनट में, मैक्सिमम 20 मिनट में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं, इसके साथ साथ जो है इसको हम आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, 5 जितना भी आप लिए होंगे, हमने 5 लिया था, या फिर ऐसे ही नीचे जो बना रहेगा उसी का प्रोजेक्शन ले लेंगे, तब पर भी ये हमारा बन करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, ये हमारा टॉप भी बन गया। अब ये क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से सॉल्व हो गया, अब ये इसका टॉप भी हो गया और इसका फ्रंट भी हो गया, और ये फुल इन सेक्शन में बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसे जो है कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करिए, तब जा करके ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और बनाने आ जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आया क्वेश्चन तो कमेंट करके बताइए समझ में आया, और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, थैंक यू।